शूटरों को आज कोर्ट ले जाया गया, पेशी हुई उनकी और उनको फिलहाल उनकी रिमांड मिल चुकी है। अतीक के तीनों शूटर्स को पुलिस रिमांड पर ले चुकी है, तीनों को कोर्ट से लेकर प्रयागराज पुलिस अस्पताल के लिए निकल चुकी, इन तीनों का मेडिकल कराया जाएगा, क्राइम सीन रिक्रिएट भी किया जा सकता है, इसमें पुलिस 100 से ज्यादा सवाल भी करेगी, तीनों आरोपियों से अलग अलग पूछताछ होनी। इस बीच पुलिस इस एंगल से भी जांच करेगी कि क्या किसी हैंडलर के इशारे पर ये तीनों गोली दाग रहे थे, क्या मौके पर कोई चौथा शख्स भी मौजूद था। उधर शाइस्ता गुड्डू मुस्लिम अब तक फरार है और खुद सीएम योगी ने इस मामले में अफसरों के साथ बैठक की है। शाइस्ता की तलाश में कई शहरों में छापेमारी जारी है। तो अतीक हत्याकांड के आरोपियों की रिमांड मंजूर कर ली गई है और कई सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं था, फिर भी ये कैसे यहाँ इकट्ठा होते हैं, तीनों के पास मोबाइल फोन नहीं था, इतनी महंगी पिस्टल ये कहां से लेकर आते हैं जो भारत में प्रतिबंधित है। तो ऐसे कई सवाल है जो आज सामने होंगे, जिनके जवाब पुलिस इनसे पूछने वाली है। सिमर हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सिमर, रिमांड तो मिल गई है लेकिन कितने दिन की रिमांड है और क्या क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की तैयारी हो रही है? जी बिल्कुल, मैं नेहा, मैं आपको बता दूं क्योंकि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी अभी टाइट रखी गई थी कोर्ट के अंदर, मीडिया की भी एंट्री अलाउड नहीं थी, तो कुछ ही देर में हमें क्लियर होगा कि कितने दिन की पुलिस को रिमांड मिली है। लेकिन मैं आपको अभी जो जहां पे घटनाक्रम पूरी हुई थी, यही वो एरिया है जहां पर अतीक और अशरफ को गोली मार दी गई थी, इसी अस्पताल के बाहर मैं यहां मौजूद हूं और पुलिस का डिप्लॉयमेंट आप देखिए यहां पर। ये कहा जा रहा है कि पुलिस रिमांड मिलने के बाद आज यहां पर तीनों शूटरों को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए ले जाया जा सकता है, इसीलिए जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बकायदा पेपर सबके चेक हो रहे हैं, पॉलिथिन में अगर कुछ है एक एक चीज अच्छे से पूरी चेकिंग हो रही है, आधार कार्ड तक मांगे जा रहे हैं, पुलिस के ACP और DCP लेवल ऑफिसर्स यहाँ पे आके पूरी चेकिंग खुद कर रहे हैं। क्यों, इसका मैं आपको रीजन बताना चाहूंगा कि पिछली बार हमने यहाँ पे देखा 3 दिन पहले जब जो शूटर्स आए वो मीडिया के रूप में आए, तो यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति ना आए जो किसी और की आइडेंटिटी से लेकर आए, इसलिए ये पूरी चेकिंग यहाँ पे करी जा रही है। आप देख सकते हैं जो भी कोई आ रहा है सबके बकायदा बैग चेक हो रहे हैं, 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पे लगा दी गई है, किसी पुलिस वालों को किसी भी गाड़ियों को अंदर आने की इजाजत नहीं मिली है। इनफैक्ट मीडिया को भी कहा गया है कि आप 5 से 10 मिनट में यहाँ से बाहर चले जाएं, उसके बाद ये गेट क्लोज कर दिया जाएगा। वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ही टाइम में यहाँ पर पुलिस जो है वो तीनों शूटरों को ला सकती है। ये जानकारी उनसे चाहिए होगी कि जब आप यहाँ पे आए किस किस जगह आपने रेकी करी, कहाँ से आप आए, किधर को गए, ताकि CCTV फुटेजेस में अगर वो कहीं कैप्चर होने पाए तो वो कैप्चर हो जाए। साथ ही साथ अगर उनको कोई लोकल सपोर्ट था तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए जो SIT की टीम है वो शूटर्स को कुछ ही समय में लेकर यहाँ पर पहुंच सकती है, जिसके चलते हुए अंदर आप देख सकते हैं कि ये अस्पताल के अंदर का एरिया है, एंट्री एरिया है, यहाँ पर भी पुलिस को डिप्लॉय करा गया है, कोई भी ऐसा व्यक्ति अंदर ना जाने पाए जो यहाँ से जिसका कोई नाता ना हो, जिसका कोई रिलेशन ना हो, इसलिए बाकायदा चेकिंग करी जा रही है। जो लोग बाहर से निकल रहे हैं उनके भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करे जा रहे हैं। यहाँ पर जो एक दूसरा गेट हुआ करता था जो खाली होता था, पुलिस ने सबक लेके अपनी पिछली जो यहाँ पे हत्या हुई है अशरफ की, यहाँ पर भी एक बैरिकेडिंग लगाई है, यहाँ पर भी 2 पुलिस वालों को तैनात किया गया है ताकि वो चेक करने पाए कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं लगातार पूछताछ पुलिस जो यहाँ पे है कर रही है, ये ध्यान रख रही है कि जो यहाँ पे व्यक्ति आने पाए वो कहीं बाहरी ना हो और ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई काम ना होने पाए यहाँ पर वो यहाँ पे ना होने पाए। ठीक है, अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, का कुल मिलाकर क्या जानकारी मिल पा रही है रिमांड की, क्या अभी तक क्लियर हो पाया कितने दिन की रिमांड मिली है और क्या जो अस्पताल ले जा रहे हैं वो क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए ले जा रहे हैं या मेडिकल के लिए ले जा रहे हैं? देखिए अर्पिता, इस वक्त की खबर यह है कि इस वक्त जो है तीनों शूटर्स को आज CGM कोर्ट में पेश करने के बाद में पुलिस जो है वो पुलिस रिजर्व लाइन में लेकर के आई है। फिलहाल अभी मेडिकल के लिए या किसी और चीज के लिए नहीं ले जाया गया। ठीक मेरे सामने पुलिस रिजर्व पुलिस लाइन के अंदर तीनों शूटर्स मौजूद हैं, सीधे CGM कोर्ट से उनको यहाँ लाया गया है। अब यहाँ से कहाँ ले जाया जाएगा वो देखना अभी बचा हुआ है। जहां तक कोर्ट के ऑर्डर की बात है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर पता चल रहा है कि रिमांड दी गई है, कितने दिन की है, कितना समय दिया गया है, कहां पर पूछताछ होगी, ये अभी फिलहाल क्लियर नहीं हो पाया है, हमें ऑर्डर का इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से सुबह ताबड़तोड़ इन तीनों शूटर्स को प्रतापगढ़ की जेल से प्रयागराज लाया जाता है, पुलिस लाइन रखा जाता है, फिर ये 2:20 पर पहुंचते हैं CGM कोर्ट, लगभग 1 घंटा वहां रहते हैं, जैसे ही सामने पेश किया जाता है उसके बाद में ज्यादा समय कोर्ट नहीं लेता और उसके बाद में इनको यहाँ पर रिजर्व पुलिस लाइन में ला करके रखा गया है। अब चूंकि SIT ने जो कल दरख्वास्त दी थी
उसमें रिमांड मांगी गई है, क्योंकि कई ऐसे सवाल है जिसका इंटेरोगेशन इनको करना है। जहां तक सीन रिक्रिएशन की बात है वो भी होगा, उसके लिए कॉल्विन अस्पताल के उसी प्रांगण में जहां पर शूटआउट हुआ था वहां पर पुलिस उसको दोहराएगी।